अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने चिकन लिया हुआ है आधा किलो बोनलेस, उसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट ली थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस। मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1/2 खाने का चम्मच। उसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इन सबको मिक्स करके मैं एक गाढ़ी सी कोटिंग बना दूँगी इसकी। और अगर आपको लगे कि इसमें मैदे या पानी की कमी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मुझे लगा था कि ये शायद जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 टेबल स्पून इसको सही कर लिया था। और अब यहाँ पे मैं इनको जो हूँ वो फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते वक्त आपकी कढ़ाई में जितने जा सकें आप उतने डालिएगा, इसको ज़्यादा जो है वो ओवर क्राउड नहीं करना वरना फिर ये आपस में चिपक जाएंगे। और इसमें फ्राई करते वक्त चम्मच जो है वो एकदम से नहीं चला देना, आप इसको थोड़ी देर रखें 1 से 2 मिनट, उसके बाद आप इसमें चम्मच चलाइएगा और ये 5 मिनट में या 5 से 7 मिनट में ये जो है चिकन बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ, निकाल के मैं इसको साइड में रख दूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं जो हूँ वो 2 टेबल स्पून डालूँगी ऑयल। अब इस 2 टेबल स्पून ऑयल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप प्याज। प्याज मैंने जो है वो 1 कप ली थी और मैंने एक बड़ी प्याज लेकर उसको जो है वो स्क्वायर्स में काट लिया था। इसको मैं थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। और सौते करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने जो है वो 1 कप ही लिया है, मैंने 2 शिमला मिर्च को जो है वो स्क्वायर्स में काट दिया था। इसको भी जो है वो मैं थोड़ी देर के लिए सौते कर दूंगी। और थोड़ी देर इनको जो है वो सौते करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। और हरी मिर्च मैंने 3 ली थी, उनको मैंने जो है वो 4 पीसेस में लंबाई में काट लिया था। आप चाहें तो ज़्यादा या कम अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अगेन मैं इसको जो है वो सौते करूँगी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। और चिकन डालने के बाद मैं जो हूँ वो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इन सब्ज़ियों में। मिक्स कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 खाने का चम्मच लाल मिर्चें और 1/2 खाने का चम्मच काली मिर्चें। और अगर आप चाहें तो इन दोनों को स्किप करके आप जो है वो 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों की सॉस डाल सकते हैं या हरी मिर्चों की पेस्ट बना के डाल दें। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 खाने का चम्मच। नमक इसमें आपने कम ही रखना है क्योंकि अभी इसमें चिली सॉस और ये सब जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इन सब के बाद अब आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ 6 टेबल स्पून केचप। और केचप डाल देने के बाद मैं इनको जो हूँ वो अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि ये जो है वो सारे मसाले जो हैं वो उसमें मिक्स हो जाएं चिकन और सब्ज़ियों में। मिक्स कर देने के बाद चिकन चिली हमारा रेडी है और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। और अगर आप चाहें तो डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर सफ़ेद तिल जो होते हैं वो आप डाल सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।